लेट्स टू क्वेश्चन नंबर सेवनटीन ऑफ एक्सरसाइज थ्री एफ दैट इज लीन इक्वेशन टू वेरिएबल क्वेश्चन नंबर सेवनटीन इज फाइंड के फॉरवर्ज द सिस्टम वैल्यू निकालनी है हमें के की जिससे कि ये जो दो इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन का यूनिक सॉल्यूशन निकले तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं सबसे पहले हम अपनी इक्वेशन लिख लेते हैं दोनों हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी के एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू टू के एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू टू हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और सेकेंड इक्वेशन है सिक्स एक्स माइनस टू वाई सिक्स एक्स माइनस टू वाई इक्वल्स टू थ्री ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है तो हम पहले सबसे पहले रूल होता था हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में करना इक्वेशंस को तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब कॉन्स्टेंट राइट हैंड साइड से हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो जब हम लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो हमारे इसके साइन चेंज हो जाएंगे तो ये आ गई अब हमारी फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन हो गई सिक्स एक्स माइनस टू वाई माइनस थ्री इक्वल्स टू ज़ीरो आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन आप फॉर यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होती थी फॉर यूनिक सॉल्यूशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन इसके लिए कंडीशन होती थी दैट ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू अब ए वन क्या हुआ यहाँ पे ए वन फर्स्ट इक्वेशन का एक्स का कॉफिशेंट ए टू हुआ सेकेंड इक्वेशन का एक्स का कॉफिशन इसी तरीके से बी वन हुआ वाई का वाई का कॉफिशन फर्स्ट इक्वेशन का और बी टू हुआ सेकेंड इक्वेशन का वाई का कॉफिशन तो ए वन हो गया हमारा के ए टू हो गया सिक्स बी वन हो गया माइनस वन और बी टू हो गया माइनस टू तो ये देखिए के अपॉन सिक्स इज नॉट इक्वल्स स्टू का ध्यान रखिएगा अपॉन माइनस टू माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ये ये कितना आ गया टू इंटू के इज नॉट इक्वल टू वन इंटू सिक्स तो ये आया k की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू किसके आ गई सिक्स अपॉन टू दैट मीन्स थ्री तो k इज नॉट इक्वल टू थ्री तो अबव हैंस Above equations have above equations have unique solution. Unique solution oga lekin cup when k is not equal to three answer.